अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शेख। अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल ये था कि हम किसी किसी भी जॉब के लिए कोई डिग्री लेना हो तो उसका एग्ज़ाम हम पैसे देके एग्ज़ाम देते हैं उसके, ठीक है। और हाँ जब ठीक हम है। वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें उसमें इतनी चीटिंग करवाई जाती है कि हम बस उसमें पास हो जाएं, तो क्या इस तरह हम किसी की डिग्री ले सकते हैं और उससे कोई जॉब कर सकते हैं क्या? देखिए भाई, जॉब करने का मसला तो बाद में आएगा। सबसे पहले सिर्फ ये समझिए कि क्या डिग्री ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। ये हमारी शरीयत के अंदर हर तरह का धोखा हराम है। मन गश्शना फलैस मिन्ना, हर तरह की तजवीर और फराड हमारी शरीयत में हराम है। और ये तो बहुत बड़ा फराड है कि आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं फराड करके, और फिर उसी की बुनियाद पे आप नौकरी भी करने वाले हैं। तो इस तरह से चीटिंग करना, फ्रॉड सर्टिफिकेट लेना, ये जायज नहीं है हमारी शरीयत में। शेख, उससे जैसे मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, फार्मेसी का मेरे पास स्किल्स है उसकी, और उसके मैं उसका डिप्लोमा ले रहा हूँ। मैं क्या मेरा काम सीखा हुआ पूरा? उसका भाई काम बोलिए ना, सीखा हुआ अगर मैंने ठीक फार्मेसी का ऑलरेडी का, है। और अब मैं जैसे उसको पैसे, यानी कोई पैसे लेके मुझे डिप्लोमा दे रहा है कि तुम मुझे पैसे दो, ये डिप्लोमा जमाने कहीं से एग्जाम दिलवाएगा वो, और उसमें मुझे इतने, यानी उतने नंबर के क्वेश्चंस वो बता देगा जितने में मैं पास हो जाऊं। यानी आप बस सिर्फ ये ये। बोलना चाह रहे हैं कि आप मेडिकल में काम कर चुके हैं, फार्मेसी आप सीख चुके हैं, आपको पूरा हाँ एक्सपीरियंस है उसका, जी आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, आप पैसा दे करके सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, यही सवाल है ना जी जी आपका? शेख जी शेख। जी, देखिए, अब जो सर्टिफिकेट देने वाला देने वाले इंस्टीट्यूट है, आप उससे जाकर के बताइए कि मैं बगैर पढ़े हुए पैसा दे करके खरीद रहा हूँ, या जिस जी हॉस्पिटल में नौकरी करने जाना चाहते जी हैं वहां कहें कि मैं खरीद के लाया हूँ सर्टिफिकेट, तो क्या वो इससे राजी होगा? वो बिल्कुल राजी नहीं होगा। इसका मतलब ये जायज नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट खरीदना जायज नहीं है। लेकिन असल मसला ये है कि जो आपका दूसरा सवाल है, लोगों को पहले इस सवाल से दिलचस्पी नहीं होती है, इसीलिए मैंने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। असल दिलचस्पी उनको बाद वाले मसले से, अब उनको नौकरी करना है। भाई पहले आप हराम काम कर चुके हो, उस वक्त आपको फिक्र नहीं थी, अब जब नौकरी करना है तो फिक्र है। तो भाई पहले जो आपने हराम किया है उसकी फिक्र कीजिए। वो सर्टिफिकेट जो आप ले रहे हो हराम तरीके से, वो जायज नहीं है, उस पर आप गुनहगार हो। अब जहां तक नौकरी का मसला है, नौकरी के मसले में तफसील है। तफसील ये है कि जो नौकरी आप कर रहे हो या जो काम आप करके तनख्वाह ले रहे हो, क्या वो काम करने के आप अहल हो? आपके अंदर वो सलाहियत है? हकीकत में अगर आपके अंदर वो सलाहियत है और आप जो है नौकरी कर रहे हो, तो वो तनख्वाह आपकी हलाल होगी। इस बुनियाद पर नहीं कि सर्टिफिकेट से जो है आपको नौकरी मिली है। भाई जो काम आप कर रहे हो उस काम की काबिलियत आपके अंदर है और तनख्वाह आपको उस काम की मिल रही है। लेकिन ये जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, धोखा दिया है, फिर नौकरी हासिल करते हुए भी धोखा दिया है, ये सारा गुनाह आपके खाते में मौजूद है। बाकी अगर आपके पास वो सलाहियत है और काम कर रहे हो, काम करके पैसा ले रहे हो, तो वो पैसा इंशाल्लाह आपका हलाल है। लेकिन इसकी वजह से वो पहला वाला हराम काम जो आपने किया है वो हलाल नहीं हो जाएगा। और अगर आपने सर्टिफिकेट भी जो है गलत तरीके से लिया है, आपके पास सलाहियत भी नहीं है, आप जाकर के टीचर बन जा रहे हैं, जैसा कि अपने हिंदुस्तान में आए दिन ये केसेस आते रहते हैं सरकारी टीचर्स के बारे में, सब पूरी दुनिया जानती है कि वो किस जी तरह उनका सर्टिफिकेट होता है, कैसे नौकरी मिलती है, उनकी सलाहियत क्या होती है। तो भाई अगर वो अहल नहीं है तो उनकी तनख्वाह भी जायज नहीं है। ठीक है, जी अब शेख, और बात जैसे करेंगे। अभी जी मुझे मुझे अभी मालूम हो गया कि वो, ये जो मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूँ ये दुरुस्त नहीं है जिस हिसाब से ले रहा हूँ। उसके बावजूद मैं उसको पूरा करूँ, यानी मेरा अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, उसके बाद 1 साल हो रहा है, उस 1 साल को पूरा करके वो सर्टिफिकेट ले लूँ, फिर उस सर्टिफिकेट से मैं अपने खुद के मेडिकल खोलूं और उससे कमाई करूं, वो कैसा है जानने के बावजूद? भाई आपके सवाल का जवाब मुकम्मल मैं दे चुका हूं। देखिए दो काम है यहां पर, एक तो गलत सर्टिफिकेट लेना वो हराम है। आपने गलत तरीका, गैर कानूनी तरीका अख्तियार करके सर्टिफिकेट लिया, ये धोखा है, फ्रॉड है और ये हराम है।
और ये आपके मुल्क के कानून में भी जुर्म है, आपकी शरीयत के अंदर भी ये जुर्म है। अब दूसरा मसला है कि आप काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, चाहे नौकरी करके या अपनी दुकान खोल करके, अगर उस काम करने की सलाहियत आपके अंदर है तब तो आपकी वो तनख्वाह हलाल होगी, क्योंकि आपकी तनख्वाह आपके काम की बुनियाद पर मिल रही है। और अगर सलाहियत भी नहीं है, सिर्फ जो है सर्टिफिकेट से काम चला रहे हैं और आपको नौकरी मिल गई है, तब तो तनख्वाह भी हलाल नहीं होगी।